तो जानते दिखे हैं, लेकिन उसको आगे डेवलप किया गया। पार्क तक गए, वहां पे जाके बच्चे को बहुत बताया, लेने का इच्छुक हो उसको ये मोल भाव करके छोड़ देंगे। इन्होंने टेंट में बच्चे को रखा ले जाके, काफ़ी देर तक ये दिन भर 8 तारीख को घुमाते रहे। जब अंधेरा हो गया तो रोहिणी मेट्रो स्टेशन के नीचे इनका जो टेंट था, ये तीनों वैगाबॉन्ड हैं और विभिन्न मेट्रो स्टेशन पे जाके नीचे सो जाते हैं, तो वहाँ इन्होंने एक छोटा सा झुग्गी लगा रखी है, उसके नीचे इस बच्चे को छुपा रखा था। काफ़ी मेहनत के बाद इस बच्ची को वहाँ से रिकवर किया गया और तीनों एक्यूज को अरेस्ट किया गया। ड्रग लेने का आदि है लड़का विशाल, और हिना और सुषमा भी ड्रग्स लेने की आदि हैं और इनके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सर ये बताया कि इन्होंने सिरप उठाया था? नहीं, अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है, बट प्राइमरीली विलियम्स इंक्वायरी से ये निकला है कि शायद ये इस बच्चे को बेचने के लिए इसको किडनैप किया। सर कहाँ से लोग आए थे, बैकग्राउंड क्या है इनकी? ये इनका बैकग्राउंड अभी क्लियर नहीं है, काफ़ी समय से ये दूसरे दूसरे शहरों में रहे हैं। दिल्ली में भी करीब 10-12 साल से ये अलग अलग मेट्रो स्टेशन और इसके पास रहते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने इतनी जल्दी इसको रिकॉर्ड? हाँ, ये बच्ची थी, इसके माँ बाप इतने गरीब थे कि इनके पास बच्ची का फ़ोटो भी नहीं था। अक्सर मल्टीमीडिया फ़ोन में बच्चों के फ़ोटो होते हैं, लेकिन वो भी नहीं था। हमने सिर्फ प्योर प्रोफेशनलिज्म और डाइज ईयर स्कीम के जो मेम्बर्स हैं उनको एक्टिवेट किया, और जो नोर हमारे आईटी इंटेलिजेंस लेने के सोर्सेज हैं उनको पूछताछ किया। बीच कॉन्स्टेबल्स का बहुत सहयोग रहा और हमारी जो 5 टीमें बनी, चारों तरफ से इन्होंने इंक्वायरी करके तब ये बच्चा रिकवर मिला के एक पार्क के पास कल 8 तारीख को सुबह एक व्यक्ति 3 बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठा था, और उसके बाद 2 बच्चे चले गए और एक बच्ची को वो गोदी लिए हुए थोड़ी देर पार्क में घूमता रहा। इसी इनपुट के आधार पर SHO विजय विहार खुद कई जगह रेड की और अंततः इस बच्ची को 9 तारीख को शाम को 5 बजे मेट्रो स्टेशन रोहिणी, उसके नीचे एक छोटा सा टेंट था, उससे रिकवर किया गया। बच्ची को सेडेशन दिया हुआ था और बच्ची बहुत स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी, अचेत अवस्था में थी। साथ ही साथ एक विशाल नाम का लड़का जिसकी उम्र 23 साल है, जिसने बच्ची को किडनैप किया था, उसे अरेस्ट किया गया, और उसकी 2 अपराधी साथ में महिलाएं हैं, एक का नाम हिना और एक का नाम सुषमा, ये 40-42 साल की हैं। इन तीनों ने मिलके बच्ची का अपहरण किया था और ये इस टारगेट में थे कि कोई बच्ची लावारिस मिले और गली में खेलती और उसको किडनैप करके ले जाए। आगे इनका प्लान पुलिस स्टेशन विजय विहार रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने एक छोटी बच्ची की किडनैपिंग का केस सॉल्व किया है, और सबसे अच्छी बात है कि 30 घंटे के अंदर ही ये छोटी बच्ची उसको रिकवर किया गया। 8 तारीख की सुबह 9 बजे के करीब बच्ची मिसिंग हुई, अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसके पिता मजदूर हैं, 40 साल उनकी उम्र है और वो मजदूरी करते हैं, उनके 3 बच्चे हैं। इनकी मदर हॉस्पिटलाइज थी, हॉस्पिटल में उसका पैर का ऑपरेशन होना था, पिता और 3 बच्चे घर पर थे, तो बच्चे 8 तारीख को बाहर गली में खेल रहे थे। तो एक लड़का इनको बहला फुसला के तीनों बच्चों को पास के पार्क में ले गया और वहाँ से 2 बड़े बच्चों को वापस भेज दिया, और 1.5 वर्ष की बच्ची जो कि ठीक से पहचानती भी नहीं थी किसी को, उसको लेके वो और गायब हो गया। शाम तक ये लोग आपस में ढूंढते रहे। शाम को 8 तारीख की शाम को करीब 9 बजे इन्होंने थाने में रिपोर्ट की और तुरंत केस दर्ज किया गया, और 5 टीमें SHO विजय विहार और ACP रोहिणी ने गठित की और उनको अलग अलग टास्किंग की गई और स्कैन किया गया कि कौन कौन लोग यहाँ आसपास ऐसा काम करते हैं।
सीसीटीवी फुटेज देखी गई आसपास की और बहुत सारे पार्क और उनमें जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। आईज एंड ईयर स्कीम में जो हमारे लोग हैं उनको एक्टिवेट किया गया, किस तरह एक छोटी बच्ची को कोई ले जाता हुआ दिखाई दे।